गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेर दे वाटर के साथ ते करते हैं आज दे ब्लॉग की शुरुआत। पहले हम असी कपड़िया की तह लगा चुके हैं, तो कपड़े असं पहले बाद में सैट करेंगे। हाँ जी, कपड़े असी संभाल चुके हैं, हम असी लगावांगे झाड़ू। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं सफाई करके फ्री हो चुकी हाँ, तो हूँ नहा के फिर तुम मिलते हैं ब्रेकफास्ट कर लगे। हाँ जी, नहा के रेडी हो चुकी हाँ, तो हूँ असं बना लगे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अस बनावे अच्छे मूली का परांठा, तो करते हैं रोटी की तैयारी। हाँ जी, चपाती असी वेल ली है, हम असं पर पावे थोड़ा जहा ऑयल। हम भरेंगे असी मूली का मिक्सचर, थोड़े थोड़े किनारे छोड़ के असी फिर मिक्सचर भरेंगे, ताकि जिहड़ी साडी रोटी एक दूसरे नाल चिपकाई जा सके। दूसरी रोटी भी असी उपर चिपका देवे। हम असी रोटी वेल लवेंगे, बड़े आराम नाल वेलनी है। रोटी साड़ी वेल चुकी है, तो हम असी इसनों सेकांगे।
हाँ जी, परौंठा साढ़ा एक साइड है सिक्स का, उसी साइड हम इसी सेक रहे हैं, ऑयल असी लगाता तो इसमें घ्यो नाल भी चोपड़ सकते हो, लगा सकते हो कि बट मैं ऑयल ना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर तुम कोई चिल्ड चीज़ पानी पियो या लस्सी पियो कोल्ड ड्रिंक पियो उस जो गला खराब नहीं होगा, या फिर चाह पियो नाल, मैं तो चाह दे नाल पसंद करती हूँ, नाल बटर हो गए। देखो जी साडा मूली का परौंठा बन के तैयार है, कितना क्रिस्पी बने। इसको मीडियम हीट पर पाओगे तो ज़्यादा वधिया बनता, अगर तुम ज़्यादा तेज आँच पर बनाते हो तो एकदम थोड़ा अलग ही टेस्ट होगा, मीडियम हीट तक थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनता, जो कि साढ़े बेटे नूं बहुत पसंद है। देखो साडा परौंठा बन के तैयार है, हम इस प्लेट में रखेंगे। जी देखो जी मूली का परांठा, मूली का परांठा बटर ते चाह उस दे खा रहे हैं, हम तुम खा के टेस्ट कराने हैं किस तरह लगता। बहुत ही गर्म बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनया, तुसी भी रेसिपी ट्राई करना। हाँ जी हूँ 4:30 बज चुके हैं तो चाह का हो गया टाइम, हम असी एक साइड पर चाह कर रख दी बननी तो दूसरी साइड हम असी पापड़ फ्राई करांगे। हाँ जी लो जी हुण डिनर दा हो चुका टाइम, तो अज असीं बना रहे हैगे आ आलू पनीर की सब्जी, तो नाल बनावांगे टमाटर राइस बिना प्याज तो। ठीक है, तेल हो गया साडा गरम, आटा जीरा जिंजर हरी मिर्च पावे असं ग्रेट किए हुए प्याज टमाटर, थोड़ी पावे असं हिंग, नाल ही पा देंगे नमक ताकि टमाटर साढ़े जड़े आ जल्दी गल जाए। लो जी आलू भुन ले, हम अस पावे पनीर करा मिक्स, अच्छी तरह मिक्स करने तो बाद असी इसमें पानी पा देंगे, पानी असी उन्ना पाना जिनी सानू ग्रेवी की जरूरत हो। थोड़ा जिहा असी पानी होर पा देंगे क्योंकि ग्रेवी ने पकना भी है। हम थोड़ी देर इन ढक के सी पका लेंगे। ये सारी सब्जी बन गई है, हम ये पावे सी धनिया,
धनिया पाते ही शक्ल चेंज हो गई। सब्जी साड़ी बन गई, हूँ असं बनाने चावल। हलो जी, हूँ असं बना लगे हैं जीरा टमाटर राइस। अज असी बिच कोई प्याज वगैरह नहीं पाना, क्योंकि साड़ी बेटी दो दिन तो हफ्ते च नहीं बिल्कुल खाँदी। तेल साड़ा हो गया गर्म, तो हूँ असी पाता जीरा। नाल ही इस पा देंगे बरीक कटिया अदरक। अदरक साड़ा पक गया, हम इसी पाने के टमाटर। हम टमाटर असी अच्छी तरह पका लेंगे। हाँ जी, लो जी साढ़े टमाटर पक चुके हैं। हूँ ये पावगी मैं पानी, जिन्ने चावल आ उन्ना ही पानी पानी पाना। स्वाद अनुसार पावे ये नमक। हम वॉश तो सोक किए हुए चावल पावे। नमक इधर चेक कर लेंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। हूँ असी ढक्कन लगा के एक सीटी आने तक इन पका लेंगे। हाँ जी, डिनर साड़ा हो चुका, तो हूँ असी खान लगे हैं रबड़ी जलेबी। ये देखो, लो जी हूँ असी खा रहे हैं। बहुत ही स्वाद आ। हाँ जी, रात दे बज चुके 11, तो अज दे ब्लॉग दा असी करते हैं इत्थे एंड। जे तुहानू मेरा ब्लॉग पसंद आया होवे तो मेरे चैनल सबसक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करना। गुड नाइट।